देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्स इजगल्स टू ए कॉस टी, एक्स इजगल्स टू ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक, और बाई बराबर फलन दे रखा है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, टी कॉस टी हमें फाइंड आउट करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या फाइंड आउट करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर है। तो इसमें एक्स टी का फंक्शन है, तो सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस डी अपॉन डी टी टी साइन टी, टी साइन टी, क्लियर है। देखो कॉस टी का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, माइनस का साइन टी प्लस, यहाँ पे दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई रूल यूज़ करेंगे, साइन टी ऐसे ही टी का डिफ्रेंशिएट वन प्लस टी ऐसे ही साइन टी का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉस टी, क्लियर है। देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए टी कॉस टी, ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, तथा वाई बराबर क्या हमारा फलन, वाई बराबर है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। देखो तो यह जगह तुम्हारा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जो डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी ए डी अपॉन डी टी साइन टी माइनस डी अपॉन डी टी टी कॉस टी, टी कॉस टी। देखो ए साइन टी का डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कॉस टी, टी कॉस टी का डिफ्रेंशिएट किया जाएगा माइनस टी कॉस टी, ऐसे रहेगा टी का डिफ्रेंशिएट वन प्लस टी, ऐसे रहेगा कॉस टी का डिफ्रेंशिएट माइनस टी, क्या जाएगा माइनस टी, क्लियर है। हाँ बता, कोई दिक्कत है? तो ये ए कॉस टी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस कॉस टी, देखो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस टी साइन टी, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यह ए टी साइन टी, क्या जाएगा ए टी साइन टी। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी कितना है ए टी साइन टी, क्या है ए टी साइन टी डिवाइडेड बाय ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या जाएगा टेन टी, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो अगेन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन टी। अच्छा टेन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर टी, फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बाय डी एक्स, क्या जाएगा डी टी बाय डी एक्स। देखो डी टी बाई डी एक्स अगर लिखेंगे ठीक ना, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू है ए टी कॉस टी, क्या है ए टी कॉस टी, देखो डी एक्स अपॉन डी टी है ए टी कॉस टी, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वन बाय ए टी कॉस टी। अरे बस समझ में, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे इसका, ठीक हो गया, क्या जाएगा sec स्क्वायर टी इंटू वन बाय ए टी कॉस टी, देखो ए टी तो ऐसे रहेगा ए टी वन बाय ए टी ऐसे रहेगा ठीक ना, वन बाय कॉस क्या जाएगा sec, वन बाय कॉस क्या है sec, वन बाय कॉस sec और ये sec स्क्वायर टी, तो क्या जाएगा sec क्यूब टी, sec क्यूब टी, तो ये डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है। नोट डाउन।
19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 है। ठीक ना, इसको हमें PMI से क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत तुमने क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है ना, उसमें 4th चैप्टर था। गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या करते हैं, पहले अब n इज टू 1 रख के प्रूफ करते हैं, फिर n बराबर k रखते हैं और n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, n बराबर स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर। ठीक ना, तो dx इक्वल टू 1 x की पावर 0 इज टू कितना जाएगा 1, तो dx कितना होता है 1 होता है, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो क्या है, n इज टू 1 के लिए कथन सत्य है। ठीक ना, स्टेप सेकंड क्या करते हैं, n इज टू k रखते हैं, के रखने पर, तो n इज टू अगर k रखेंगे तो क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k इज टू k एक्स की पावर k माइनस 1। मान लेते हैं, माना n इज टू k के लिए कथन सत्य है, मान लेते हैं इसके लिए, ये वाला स्टेप हमारे क्या होता है, मानना होता है। ठीक ना, स्टेप थर्ड n इज टू k प्लस 1 रखते हैं, n इज टू k प्लस 1 रखने पर, k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा, k प्लस 1 एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो क्या जाएगा, x की पावर k हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, तो LHS को किसके बराबर प्रूफ करोगे, RHS के बराबर प्रूफ करोगे ना, तो यह जाएगा तुम्हारा LHS हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1। तो देखो d अपॉन डी एक्स, इसको ले सकते हैं x की पावर k इंटू एक्स लिख सकते हैं, पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो k प्लस 1 को लिख सकते हैं x की पावर k प्लस एक्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। x ऐसे ही x की पावर k का डिफरेंशिएट प्लस x की पावर k ऐसे ही x का डिफरेंशिएट, क्लियर है। तो देखो x d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k प्लस एक्स की पावर k इंटू 1। ठीक है ना, और d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k स्टेप सेकंड से इसका वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है ना, स्टेप सेकंड से हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा k एक्स की पावर k प्लस 1 सॉरी k माइनस 1 प्लस एक्स की पावर k। देखो x की पावर 1 है, x की पावर k प्लस k माइनस 1 है, पावर को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर k इंटू k प्लस एक्स की पावर k, x की पावर k को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, k प्लस 1 बराबर RHS। नहीं आया समझ में, है नहीं आया समझ में। ठीक ना, हमने क्या करा, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ठीक ना, यहाँ पे हमने x का डिफरेंशिएट कर जाएगा 1, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमने स्टेप सेकंड से उठा के रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे x की पावर k माइनस 1 इंटू x की पावर 1, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो k माइनस 1 प्लस 1, तो x की पावर k बचेगा, तो x की पावर k कॉमन आ रहा, तो ये बचेगा, तो नीचे लिख देंगे अतः n इज टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, इसलिए x के सभी मानों के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। n के लेट कर लेते हैं, a और b दोनों ही x का फंक्शन है, दोनों ही x का फंक्शन है, तभी मानेंगे।
ठीक है ना। मानो ए और बी एक्स का फंक्शन है, तो इसमें जब ए और बी एक्स का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस बी इज गोज टू डी अपॉन डी एक्स साइन ए कॉस बी प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन ए सॉरी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी ठीक है ना। कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स बराबर। ऐसे फर्स्ट एंड टू सेकंड यूज करेंगे, साइन ए ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स कॉस बी प्लस कॉस बी ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स साइन ए ठीक है। अच्छा इसमें भी यूज करेंगे फर्स्ट एंड टू सेकंड, कॉस ए डी अपॉन डी एक्स साइन बी प्लस साइन बी ऐसे रहेगा डी अपॉन डी एक्स कॉस ए, क्लियर है ठीक। तो देखो इसको तो ऐसे रख छोड़ दो, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, कॉस बी का डिफरेंशिएट माइनस का साइन बी माइनस का साइन बी डी बी अपॉन डी एक्स जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स। सेम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस बी कॉस ए डी ए अपॉन डी एक्स जाएगा डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का फिर से जाएगा कॉस कॉस बी डी बी अपॉन डी एक्स प्लस साइन बी ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन है माइनस का साइन है डी ए अपॉन डी एक्स, क्लियर है। देखो इन दोनों में से इस वाले टर्म्स और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन ए साइन बी कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे डी ए अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा डी बी अपॉन डी एक्स बचेगा ठीक। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉस है कॉस बी कॉमन है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन है ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा माइनस का साइन ए, इस वाले टर्म्स को पहले लिख लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्लियर है। अच्छा ये हमारे टर्म्स हैं कॉस ए प्लस बी और डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, देखो डी ए अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी इससे क्या जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, ये तो फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी का, क्लियर है डन। मजेदार क्वेश्चन है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को छोड़ दो ठीक ना, वो कोई एग्जांपल बताना है उसमें ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी टू सी दिखीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एस डैश एक्स, तीन लाइन का क्वेश्चन है, कितने लाइन का क्वेश्चन है, तीन लाइन का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एल एम एन ए बी सी का डिटर्मिनेंट का डिटरमिनेंट ठीक है। तो देखो इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे, बात नहीं इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे एफ डैश सॉरी एफ एक्स इसको और इसको छुपा दो सी एम माइनस एन बी माइनस एन बी, देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस जी एक्स माइनस जी एक्स, देखो क्या जगह इसको छुपा देंगे तो एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स ठीक है ना, इसको छुपा देंगे तो एल बी माइनस ए एम
एल बी माइनस ए एम, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या एफ डैश एक्स सी एम माइनस एन बी माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम। बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, तो इसको फिर से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैं मैट्रिक्स, क्योंकि सेम वही चीज़ें हैं सब कुछ, इसी फॉर्म में है ना ये, तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से। तो इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये जगह एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, दो बस चेंज क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा और एच डैश एक्स आ जाएगा, एल एम एन ए बी सी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। है तीन लाइन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई इज गोस टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, जहाँ पे हमें प्रूव करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। चलो बहुत बढ़िया है, दो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जगह डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। तो ई की पावर का डिफ्रेंशिएट ऐसे रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना। इसकी जगह हम क्या पुटिंग कर सकते हैं, वाई पुटिंग कर सकते हैं, क्या पुटिंग कर सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना, ए तो ऐसे रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का आएगा माइनस वन बाय, ठीक। इसका उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, यह आ जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, माइनस का ए बाई, क्लियर है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, हाँ डिफ्रेंशिएट करो, फिर से क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट करो, ठीक ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो ये वाला फंक्शन ऐसे ही वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, चलो लिख देते हो डी अपॉन डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू इक्वल टू माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, देखो पावर आ गया पावर एक माइनस, तो ये तो जाएगा वन बाय टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है ना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है वन बाय टू रूट एक्स, वन बाय टू रूट एक्स, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये माइनस का टू एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, बहुत बढ़िया बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो अब यहाँ पे हमारे पास बचा है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास प्लस वन बाय रूट ऑफ वन माइनस
एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस का है ना, माइनस प्लस क्या जाएगा, माइनस माइनस एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें करना क्या है, तुम्हें रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, ठीक है ना, तो इससे इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इस वाले स्टेप में यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू रख दो, किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का, देखो इस वाले स्टेप से यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई माइनस ए बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या है, माइनस ए बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई, उठा के दल लिया उसको, पटक दो उधर, डिवाइड अपॉन डी एक्स इसको दल लियाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, प्रूफ्ड। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक चैप्टर फिनिश कर दिया है, ठीक है, अब आगे इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है।